Use headphones for better experience. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम जानेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो कि भारत के चार पवित्रतम स्थानों में से एक है, जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। दोस्तों, इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहां 3 दिन और 3 रात ठहर जाए तो वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। जहाँ की सांस्कृतिक लोक नृत्य और लोकगीत भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित पूरी शहर के बारे में। बस दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब करो या ना करो, बट वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ओडिशा राज्य में बसा पुरी शहर भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी है, जो कि हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक ऐसा स्थान है जहां के समुद्र तट पर स्थित बीच के साथ साथ यहां के धार्मिक स्थलों का भी आनंद लिया जा सकता है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीलगिरी, नीलाद्री, नीलाचल, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र और जगन्नाथपुरी आदि नामों से जाना जाता है। तो हम जानेंगे पुरी शहर के कुछ ऐसे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जिनको शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरी शहर के बेसिक इन्फॉर्मेशन से। टोटल 3,479 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर को 11 तहसीलों 1,722 गाँव में बांटा हुआ है, जो अपनी बाउंड्री छत्रपुर, खोडा, कटक और जगत सिंहपुर से शेयर करता है। पुरी शहर की पॉपुलेशन 16,98,730 है, जिसका लिंगानुपात 963 है और लिटरेसी रेट 76.05% है। बात करें यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीत की, तो ओडिसी और महारी लोक नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ओडिसी लोकगीत यहाँ की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। और हाँ दोस्तों, इस शहर में कई पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्व हिंदू नववर्ष पे मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रनी यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद रथ यात्रा और नव कलेबर पर्व भी मनाया जाता है। ये दोनों पर्व भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति से संबंध रखते हैं, जिसमें भगवान की मूर्तियों को सजाकर वह सुगंधित पुष्पों के साथ दारू नामक लकड़ी के रथ पर मंदिर में ले जाया जाता है। दोस्तों, अगर आप पुरी घूमना चाहते हैं तो अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे सही समय है। और हम बात करें पुरी शहर के इतिहास की, तो मूल रूप से भील शासकों द्वारा शासित क्षेत्र था। सरदार विश्वासु भील जी ने सदियों पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तब से आज तक इस मंदिर को हिंदुओं की चारधाम यात्रा के अनुसार भारत के पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता तो यह है कि इस मंदिर की यात्रा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी है। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर के चर्चे तो बहुत सुने होंगे, बट कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनका पता तो आधुनिक विज्ञान भी नहीं लगा पाई। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा, बड़ा भाई बलभद्र, तीनों की मूर्तियां विराजमान है और इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। और दोस्तों, जब यह मूर्तियां बदली जाती है तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में एक धातु होती है, जो कि पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर करना होता है। और यह प्रक्रिया करते समय पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी और जो यह प्रक्रिया कर रहा होता है उसकी आंखें बंद की जाती है। और जो यहाँ के पंडित है उनका कहना है कि ये धातु ऐसे लगती है कि कोई जीवित दिल हो। इस मंदिर के ध्वज को प्रतिदिन बदला जाता है। मान्यता तो यह है कि इस मंदिर के ध्वज को नहीं बदला जाए तो 18 सालों तक मंदिर बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस मंदिर का ध्वज और समुद्र की लहरें हवा की उल्टी दिशा में लहराती है। इस मंदिर के शिखर पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसको कहीं से भी देखो हमेशा सामने से ही दिखाई देता है। दोस्तों, इस मंदिर के गुंबद की परछाई कभी भी जमीन पे नहीं पड़ती है। दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट तो यह है कि आज तक गुंबद और उस सुदर्शन चक्र के ऊपर कोई चिड़िया बैठते हुए या उसके चारों ओर उड़ते हुए नहीं देखा गया। और हाँ, यहाँ पे बनने वाले प्रसाद के बारे में कैसे भूल सकते हैं। यह प्रसाद इस प्रकार बनाया जाता है कि ना तो ये ज्यादा रहता है और ना ही कम पड़ता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सिंह द्वार है, जिसके अंदर जाने के बाद समुन्द्र की लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। इस मंदिर के पास स्वर्ग द्वार नामक एक बीच है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ का कोणार्क सन टेम्पल, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। और दोस्तों, यह मंदिर भारत के 8 अजूबों में से एक है, तो इसे कैसे भूल सकते हैं। इस मंदिर के चार दीवारी पर 126 प्रकार के नृत्य कलाओं को दर्शाया गया है, जिससे कि यह मंदिर अपनी हिंदुत्व संस्कृति को दर्शाता है। इसलिए यह मंदिर विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। और यहाँ पर हर वर्ष 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य होता है। और दोस्तों, इस पूरी शहर में स्थित उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं, जो कि प्राकृतिक पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं की तपस्या के लिए बनाए गए थे। उदयगिरी
उदयगिरी का मतलब सूर्य उदय की पहाड़ी और खंडगिरी का मतलब खंडित पहाड़ी है। दोस्तों इन दो पहाड़ियों में टोटल 33 गुफाएं हैं जिनके अंदर की ओर शिलालेख मिलते हैं जिससे यहाँ का इतिहास मालूम होता है। इनकी बाहरी दीवारों पर जैन कलाकृतियां और मूर्तियां बनी हुई है। अगर दोस्तों आप पुरी में मौज मस्ती करने वाली लोकेशन देख रहे हैं तो यहाँ का वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क आपके लिए एक अच्छा स्थान है जहाँ पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे करने और आराम करने का एक सही तरीका है। यह ओडिशा का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह प्रत्येक स्लाइड और सवारी में चमत्कारों से भरी दुनिया है। पार्क में कई वाटर स्लाइड, कैंप नाइट, बैंक्वेट हॉल, रिजोर्ट और बहुत कुछ है। इसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित गोल्डन सी बीच है जिसको देखने तथा यहाँ की ब्यूटी का लुत्फ उठाने के लिए बहुत लोग आते हैं। दोस्तों ये बीच भारत के 10 सबसे साफ सुथरे समुद्र तटों में से एक है। यहाँ पर सभी सुविधाओं के साथ एक छोटा खेल क्षेत्र भी है जो बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण है। इस समुद्री तट पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का ब्यूटीफुल नजारा पर्यटकों के लिए सुखद होता है। इसी बीच के पास एक चंद्रभागा सी बीच भी है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। पुरी में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की मुहाना झील है, तभी तो यह झील पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान है। यह झील 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों फैक्ट तो यह है कि दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा रहता है और वर्षा ऋतु में इस जल का पानी मीठा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ एक बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि पुरी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यह समुद्र तट पर 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केसुरनाव वृक्षों के बाग, काजू के बागान शामिल है। इसके अलावा ब्लैक बग और चित्तीदार हिरण के झुंड का घर है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाने वाले अन्य जानवरों में बंदर, गिलहरी, जंगली बिल्ली, सियार और विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप शामिल है। इसके अलावा पुरी शहर में लिंगराज टेम्पल, श्री गुड़ीचा टेम्पल, ब्लू स्प्लैश वाटर पार्क, साक्षी गोपाल टेम्पल और बड़े हनुमान मंदिर शामिल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।